अगर आप बजट पर नहीं प्रोडक्ट क्वालिटी में बिलीव रखते हो तो दिस वीडियो इज अ गेम चेंजर फॉर योर स्किन केयर रूटीन हे एवरी टुडे टूडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू माई जेन्युविन नो फिल्टर रिलैक्सिंग वीकली स्किन क्लीनर फ्रिज में स्पेशली फॉर विंटर दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप सो डोंट वरी एंड लेट्स बिगिन सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हेयर को टाई कर रही हूँ दिस इज इम्पॉर्टेंट जब भी आप स्किन केयर करो आपकी हेयर आपको डिस्टर्ब ना करे उसके बाद मैं एक हेडपैंड भी यूज़ कर रही हूँ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का ये जेंटल क्लेंज़र ये वन ऑफ़ द बेस्ट प्रोडक्ट है आपकी आ, फेस को क्लीन करने के लिए जेंटल है एवरीडे बेसिस पर आप यूज़ कर सकते हो हर स्किन टाइप पर सूट करती है एंड बहुत ही बहुत ही अच्छी मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है वेट फेस पर आप जनरस अमाउंट अप्लाई कर लो एंड सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इसे दो से तीन मिनट के अंदर वॉश कर लो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बायोडोमा का ये बायो पिगमेंट फेस स्क्रबर आप बोल सकते हो ये ना अगर आप मतलब आप चाहो तो सिर्फ इस सी से ही आपकी स्किन केयर स्टार्ट कर सकते हो आ, ये आपकी स्किन को डीप क्लीन भी करती है आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है बहुत ही कम अमाउंट लेना होता है मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया बिकॉज ताकि आपको ना अच्छी से इसकी टेक्सचर दिखा सकूँ तो इसे आप तीन से चार मिनट आपकी स्किन पर सर्कुलर मोशन में रब कर लो एंड उसके बाद स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लो अगर आप डेली बेसिस पर मतलब इसकी पार्टिकल्स इतनी सॉफ्ट इतनी छोटी छोटी है आप डेली बेसिस पर इसे यूज़ कर सकते हैं और इसे रेगुलर यूज़ करने से आपकी स्किन पर ब्लैक हेड वाइट की प्रॉब्लम नहीं आएंगे सो आप देख ही सकते हो इंस्टेंटली स्किन कितनी ग्लो हो गई नेक्स्ट मैं यूज़ करूंगी एक फेस पैक तो फेस पैक के लिए फर्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ खादी का एलोवेरा जेल ये एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छी है हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हाफ से भी कम क्वांटिटी मैंने लिया है एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई e ऑयल की कैप्सूल से ऑयल ये आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे तीनों को अच्छे से मिक्स करके ना अब आपकी फेस पर अप्लाई कर लो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी अप्लाई करो क्योंकि ये आपकी स्किन पर ना पूरा एब्जॉर्व हो जाएगी इसे आपकी पूरी फेस पर अप्लाई करने के बाद बीस से तीस मिनट आप रख दो आप देखो थर्टी मिनट्स के बाद मेरी स्किन पर यह ऑलमोस्ट एकदम से एब्जॉर्व हो गई आपकी अगर ड्राई स्किन है ना तो गाइज ये बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए डीप डीपली हाइड्रेट करती है आपकी स्किन को आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाती है उसके बाद मैंने ये जो मेरी फेस पर रह गई है मैं इसे अच्छी से मेरी स्किन को मसाज कर रही हूँ इससे ये प्रोडक्ट भी अच्छी से पेनिट्रेशन होगा आपकी स्किन पर और आपकी स्किन ग्लो भी करेगी उसके बाद मैंने वेट टिश्यू से इसे साफ कर लिया आप चाहो तो फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश भी कर सकते हो इसके बाद जो स्टेप है सीरमिंग ना मैं प्लम का ये नायासिनाइड सीरम यूज़ कर रही हूँ अगर आप थर्टी प्लस हो ना तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है जस्ट स्प्रेड कर लो आपकी स्किन पर उसके बाद प्लम का ही मैं नायासिनमड ये फेस मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ इसमें हाई एलरॉनिक एसिड भी है जिससे आपकी स्किन को ना ये बहुत अच्छी से नरिश करेगी हाइड्रेट करेगी एंड विंटर में मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छी से करेगी उसके बाद मैंने नोस पिन अप्लाई कर लिया है एंड लास्टली डो नॉट फोगेट लिप्स मैं लाने का ये लिप लिप यूज़ कर रही हूँ बहुत अच्छी थोड़ी सी कॉस्टली है बट इट इज रियली वेरी गुड एंड इसी के साथ मेरी यहाँ पर स्किन केयर भी कम्प्लीट हो गई गाइज अगर आप ये स्किन केयर हफ्ते में जस्ट एक बार फॉलो करो दिस विंटर जो उन बिलीव गाइज कि आपकी स्किन किस हद तक सॉफ्ट एंड ग्लोइंग हो जाएगी वीक में बस एक बार ही काफ़ी है एंड आपकी स्किन ना जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो जाएगी सारी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो डोंट वरी अबाउट प्रोडक्ट्स एंड अमेजॉन पे सेल तो फ्रीकुन्टली चलती है तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में भी ये सारी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं सो गाइज दैस ऑफ फॉर मेटीरियल वीडियो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाय